आओ आओ चलो चलो भाई, जाहिर सी बात है अपना घर अपना होता है, दूसरों के घरों में दिल थोड़ी ना लगता है। बैग पकड़ो। हाँ चलो। ओहो चलो, रुको, चलो। रुको रुको रुको। अरे अरे रुको 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 भाई, ये कहाँ जा रहा है? वो खाला इम्तिहान है ना, तो वापस घर जा रहा हूँ। घर? खाली घर में जाकर क्या करोगे तुम? यही रहो बस, कहीं नहीं जा रहे। अम्मा जाने देना इसे, सबको नजर आ गया कि ये मोहब्बत वोब्बत नहीं है, सिर्फ आप गर्ज की खातिर ये सब कुछ कर रही है। कहीं नहीं जाएगा वो, मैंने कह दिया बस। बाजी आप ही समझाइए ना। अम्मा मैं जानती हूँ तुम आप इसको यहाँ क्यों रखना चाहती हैं, पर इसका आप कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग सब कुछ जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे फायदे के लिए किया था। पहले असल बात तो जान लीजिए। क्या? असद का साला नसीब वाला तो वही होगा ना जो इसकी बीवी से 5 साल छोटा हो। हाँ जैसे हम आई हूँ। ये मुझसे 8 साल छोटा है। एक मिनट, क्या? सॉरी। अम्मा के ख्याल से बड़ी उम्र की लड़कियों के रिश्ते जल्द नहीं होते, इसीलिए उम्र असल से हमेशा कम ही बताई। नहीं मतलब ओरिजिनली कितनी है? 19 का है और मैं 27 की। जानू मेरे साथ धोखा, मुझे 2 महीने से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अम्मा बात दरअसल में यह है कि इन सब बातों को देखते हुए मैंने भी आपसे एक बात छुपाई थी जो नहीं बताई। क्या? वो ये कि उस दिन जब आपने इसको मेरे साथ भेजा था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था साइकिल वाले के साथ। नहीं लेकिन लगी नहीं। और दूसरी बात यह कि मेरा 5 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला। हाँ। हाँ। 5 लाख? तो प्यारे भैया वो ट्रीट तो बाकी है ना। चुप करो प्यारे के बच्चे, समझाने दो जरा। अम्मा बात दरअसल में ये है कि आपकी ये जो सितारों की चाल वगैरह ये सब बोगस बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं अगर आपको ये सब बातें बता देता ना तो आपकी तमाम परस्ती और पक्की हो जाती और आप यही समझती कि ये मेरे लिए लकी है। और देखो ऊपर वाला जब देता है ना तो बगैर किसी वजह के देता है, जब उसके दिल में आता है वो देता है। इन सब बातों के लिए ये चीजें जरूरी नहीं होती। कैसा बोला? कमाल ही हो गया। बाजी मेरे लिए क्या हुक्म है, बैग बहुत भारी है, जाऊं कि ना जाऊं? चुप कर, बड़े बोल रहे हैं। बात दरअसल में यह है कि अम्मा अगर तुम्हें मुसल्लत ना करें हम पे तो तुम रुक सको। असद